नमस्ते दोस्तों, आज हमारे पास एक लैपटॉप बनने के लिए आया हुआ है। इस लैपटॉप को मैं कस्टमर साइट से उठा के घर पे लेकर आया हुआ हूँ। आज मैं सवेरे मॉर्निंग में कस्टमर साइट पे गया था, कस्टमर मुझे बता रहे थे कि सर लैपटॉप ना ऑन करने में बहुत स्लो चलता है, बंद करने बहुत स्लो बंद होता है, किसको कैसे सही किया जाए। तो मैंने चेक किया, चेक करने मुझे मालूम पड़ा इसके अंदर 4 GB का रैम लगा हुआ है, 1 TB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है और इंटेल कोर i3 8 जनरेशन का CPU है। तो और वो कह रहे थे मुझे विंडोज 10 लोड करवाना है। तो मैंने पूरा चेक करने के बाद में फिर मैंने कस्टमर से कहा, सर इस लैपटॉप में ना 4 GB रैम लगा हुआ है और एक 4 GB रैम और लगवा लीजिए, 8 GB रैम हो जाएगा और इसके अंदर लगा हुआ हार्ड डिस्क, आप इसमें SSD लगवा दीजिए और SSD के अंदर विंडोज लोड करवा दीजिए। तो कस्टमर ने कहा क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा इसको खोल करके अंदर इसमें रैम बढ़ाना पड़ेगा और SSD लगा उसके अंदर विंडोज लोड करना पड़ेगा। कस्टमर ने कहा इसको कर दीजिए। तो मैं लेकर आता हूँ और आपके सामने पूरा दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या हुआ, पूरा सारी चीजें। हाँ, उसके बाद चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो आपके पहुंच जाए। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। तो देखिए लैपटॉप है ये HP का ही और इसको हमने ऑन कर लिया है। ऑन कर चेक कराता हूँ आपको कितना टाइम लगाता है ऑन होने के बाद में, मतलब बूट करने में। देखिए HP का लोगो आ रहा है और बहुत देरी तक यहीं पर ये बूट कर रहा था। बहुत बार मैंने ट्राई करके खोल के देख लिया, देखिए घूम रहा ना ये, तो मतलब बहुत स्लो चल रहा है। कस्टमर एकदम असंतुष्ट है इससे कि भैया इसको आपको कैसे भी तेज करवा देना है। दिख रहा ना स्पीड कैसा है अभी, तो ये स्लो है। HP का लोगो आ रहा है, बहुत देर में ये ओपन हो रहा है ये। तो अब दिखाता हूँ आपको मैं, देखिए ये आपका HP कंपनी का है, HP पवेलियन है ये और इसके अंदर 4 GB का रैम लगा हुआ, 1 TB का हार्ड डिस्क है, HA हार्ड डिस्क ड्राइव है ये। अब इसमें हम लगाएंगे SSD और ये कोर i3 का 8 जनरेशन CPU है ये। CPU बहुत बेकार नहीं, मतलब ठीक ठाक है क्योंकि अब तो 11 जनरेशन चल रहा है तो i3 है ये। और ये व्हाइट कलर का देख सकते पवेलियन का लैपटॉप है, स्लिम है, तो इसलिए एक्सपर्ट ना हो तो खोलिएगा नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट के हाथों से ये लैपटॉप खोलेगा तो ठीक रहता है, वरना नौसिखिए खोलेंगे फिर लैपटॉप में नुकसान कर देते हैं। तो हम भी एक्सपर्ट के पास आए हुए हैं और यही लैपटॉप खोलते हैं, वो दिखाते हैं कैसे खुलता है। चलिए देखिए ये पीछे 4 स्क्रू है, ये कवर निकाल लीजिए ऊपर से स्क्रू के ऊपर से और ये चारों स्क्रू को आप ऐसे सिंपल तरीके से खोल दीजिए। पेचकस अच्छा आपका होना चाहिए स्क्रू ड्राइवर, मतलब कि अगर सही माप का नहीं है तो फिर स्क्रू भी खुलेगा नहीं, फिर ख़राब हो जाएगा। तो देखिए आगे दो पेचकस दिया, HP पवेलियन का है ये और इसको हम यहाँ से, तो देखिए स्क्रू चारों तरफ से खुल जाए और ये लॉक सिस्टम दिया रहता है जितने HP के लैपटॉप आते हैं। तो अगर आप भी खोल रहे हैं ना तो ऐसा इक्विपमेंट ऐसा औजार आपका होना चाहिए खोलने के लिए, वरना फिर आप नुकसान कर देंगे। ये देखिए माइनस टाइप का पेचकस है ये और लॉक स्क्रू तो खोल लिया है, खोलने के बाद में इसी के नीचे लगेगा NVMe मतलब SSD लगेगा और रैम भी बढ़ेगा यहाँ से ही। तो सही तरीके से आप इसको देखिए खोलिए आराम से, मैं एकदम आराम से वीडियो बना रहा हूँ कि आप HP का लैपटॉप आपके पास से, आपके किसी ब्रांड का लैपटॉप है उसमें लगवाना, आपको SSD लगाना है तो ऐसे तरीके से खोलने का तरीका ये। तो देखिए कवर हट गया, ये हाथ में जो लगा वो ये हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क ड्राइव खुल जाता है और अब देखिए पूरा ये पूरा मतलब ढांचा दिख रहा है कि लैपटॉप का खुल चुका है। और इसमें बैटरी जो दिया रहता है ना वो इनबिल्ट बैटरी होता है, जैसे कि मोबाइल के अंदर बैटरी इनबिल्ट होता है वही है। ये देखिए ये स्लॉट दिया हुआ है, इसके अंदर ये बोलते हैं NVMe, इसमें एक कट दिया हुआ मतलब कि यहीं पे लगेगा। और ये हार्ड डिस्क है 1 TB का हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब मैग्नेटिकल हार्ड डिस्क, इसके अंदर डेटा इंस्टॉल होता है तो ये तो रहेगा रहेगा। इसके साथ हम जो है ना एक लगा देंगे M.2 लगाइए या NVMe लगा दीजिए और विंडोज़ हम उसमें लोड करेंगे, अभी वर्तमान में विंडोज़ इसमें लोड है, हम विंडोज़ जो है उसमें लोड करेंगे। ठीक है ना, ये इसकी बोलते हैं NVMe पोर्ट बोलते हैं और ये आपका इनबिल्ट बैटरी है तो ये है। ठीक है, तो अगर आप नए हैं ना तो आप क्या करिएगा, आप उसको देखिए ये रैम का जगह दिया हुआ है और आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिएगा तभी इसके अंदर कुछ लगाइए, वरना फिर दिक्कत है। देखिए ये रैम है 4 GB का लगा हुआ है, DDR4 रैम है ये, तो ये जो एल्युमिनियम दिया ना उसी के नीचे लगेगा, एक स्लॉट खाली है रैम का क्योंकि मैं देख चुका हूँ और ये मॉडल पहले बना चुका हूँ उसकी वजह से। तो ये आपका हम SSD भी ला दिए हैं, तो SSD हमारा HP कंपनी का है ये, देखिए ये HP का ही है, पता करिए MRP लिखा है उसके बोलो 6000 रुपये, तो 6000 रुपये मिलेगा नहीं, सस्ते मिलता है। तो अब पता करिए आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या है। तो देखिए ये है एक तरह से हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, देखिए कितना छोटा हो चुका है ना, ये है 250 GB का। अब विंडोज़ लोड करना हमको, हम विंडोज़ इसमें लोड करेंगे, हमारा लैपटॉप जब बूट करेगा तो इसी मतलब NVMe से लोड करेगा। देखिए ये सिंपल रैम लगाते हैं वैसे लगा करके और यहाँ स्क्रू दिया रहता है, हमने निकाल लिया इसको, स्क्रू को भी यहाँ टाइट कर देंगे। अब विंडोज़ मतलब लैपटॉप ऑन होते ही ना ये SSD को डायग्नोस करेगा, मतलब डिटेक्ट करेगा और वहाँ से विंडोज़ बूट हो जाएगा। तो विंडोज़ लोड करते हैं, तो 4 GB रैम लगा हुआ है और एक स्लॉट खाली है, उसमें हम 4 GB रैम लगा देंगे तो वहाँ रैम हो जाएगा 8 GB। तो देखिए एल्युमिनियम का जो ये दिया हुआ है ना
पत्तानुमा, इसको हटाएंगे, ये भी लॉक सिस्टम दिया हुआ है, इसको भी निकालने का तरीका देखिए कैसे है। तो पूरा मतलब एक्सपर्ट के पास बैठा हुआ हूँ मैं, और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे रैम अपग्रेड करना है, कैसे SSD NVMe लगाना आपको है। तो ये देखिए लग सकता है, देखिए एक रैम लगा हुआ है, 4 GB का एक स्लॉट खाली दिया हुआ है। तो आप चाहते हैं तो 8 GB और लगा सकते हैं, लेकिन मैं 4 और 4 8, क्योंकि SSD लग रहा है तो स्पीड अच्छा है मिलेगा। तो ये तरीके से आप ये देखिए 4 GB और 4 GB 8 आपका हो गया DDR4 रैम है। तो चेक कर लीजिए आपके लैपटॉप में DDR3 रैम लगेगा कि DDR4 रैम लगेगा। और ये तरीका है रैम चेंज करने का, सब सिस्टम पे होता है। कट मार्क जरूर नोटिस कर लीजिए, कट मार्क से नोटिस नहीं करेंगे तो आपको लगाने में दिक्कत होगा। फिर हम कवर के पैक कर लेते हैं, एक्सपर्ट है इसके मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होगी। हार्ड डिस्क भी टाइट है और MV भी लग गया है। अब हमें क्या करना रहेगा ना, अब इसको पैक करने के बाद में हमें पेन ड्राइव, बूटेबल पेन ड्राइव से या बूटेबल CD से हमको लैपटॉप बूट करना पड़ेगा, और उसमें फिर हमको विंडोज लोड करना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा जल्दी हम पैक कर लेते हैं स्क्रू, यहाँ पर हमने स्पीड तेज़ कर दिया है कि आपको टाइम आपको बर्बाद ना हो कर। ठीक है, तो लग रहा होगा कि क्या हो रहा है ये। तो जल्दी स्क्रू जो है जहाँ जहाँ पैक होना था ना, वो चारों तरफ स्क्रू पैक कर ले रहे हैं, और कवर करके और आपको फिर दिखाते हैं। देखिए ऐसे निकाले वैसे पैक करिएगा ये। तो स्क्रू चारों पैक हो चुका है और अब इसको हम निकालते हैं। ये देखिए, हाँ ये HP SSD है EX900, और इसकी देखिए ये वारंटी जो दिया हुआ उसके साथ में जो लगाया मैंने है, इसको 3 साल की वारंटी है। ये 3 ईयर वारंटी दिख रहा है आपको ना, ये 3 साल की वारंटी है। और देखिए MRP दिया हुआ है लगभग 6,600 रुपये का, लेकिन इतने रुपये मिला नहीं है, पता कर लिया ऑनलाइन में चेक कर लिया मॉडल कौन सा है, और मोटा मोटी मैं बता दूँ आपको 3500-3600 का मिलेगा ये। ठीक है, तो 250 GB का, 250 लगाइए, उसके अंदर विंडो लोड कर ली। देखिए HP के लैपटॉप के अंदर F9 से बूट करते हैं, तो F9 से बूट कर लिए हैं, हमारा बूटेबल पेन ड्राइव है और हम इसमें विंडोज लोड कर रहे हैं। तो विंडोज लोड करना वो सिखाएंगे नहीं, हम पूरे लैपटॉप को फॉर्मेट कर दे रहे हैं, जो पुराना हार्ड डिस्क था उसको फॉर्मेट कर दे रहे हैं, और जो नया वाला SSD लगा रखे उसको फॉर्मेट कर दे रहे हैं। दोनों इसी में दिखाएगा। ठीक है, तो जब इसी में दिखाएगा तो आपको एक दिखाएगा 250 GB का और एक दिखाएगा 1 TB दिखाएगा। तो पार्टीशन इसमें क्रिएट कर लीजिए और मैं कहूँगा कि विंडोज़ लोड करेंगे। अब इसमें सिलेक्शन पूछता है कि आपको विंडोज़ कौन लोड करना है, तो पूरा फॉर्मेट करेंगे तो दिख जाएगा कि आपको 250 GB का जो लगा हुआ है SSD, तो उसके अंदर 240 GB दिखाएगा, उसके अंदर सेलेक्ट करके आप विंडोज़ लोड कर लीजिए, तो फिर आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। डेटा सेव करने के लिए तो हार्ड डिस्क ठीक है, लेकिन विंडोज़ लोड करना आपको है और विंडोज़ बूट कराना है तो SSD इसीलिए लगाते हैं हम लोग भी, वही काम कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो है पूरा फॉर्मेट हो चुका है और विंडो धीरे धीरे लोड होना शुरू हो गया है, एकदम समझ लेना आप। तो इस तरीके से SSD और RAM अपने लैपटॉप में आप चेंज कर सकते हैं। तो लैपटॉप में 4 GB के साथ 4 GB और लग गया है, 8 GB RAM हो गया है और हमने SSD लगा दिया इसके अंदर WM दोस्तों। तो अब ये इसमें स्पीड अच्छा मिलना स्टार्ट हो चुका है और मुझे लगता है कि कस्टमर को भी पसंद आएगा। तो देख सकते हैं मैं माउस घुमा रहा हूँ, काम करने में बड़े अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो लैपटॉप अच्छा था ये, देखिए एकदम स्लिम है ये, मतलब 360 डिग्री तक मैं उसको घुमा सकता हूँ, अच्छा लैपटॉप था पूरा ये, और कस्टमर भी इससे खुश हो जाएंगे। तो आपका भी लैपटॉप स्लो चल रहा है ना, तो उसमें आप जरूर से जरूर SSD लगवा लीजिए। तो इस लैपटॉप में NVMe स्लॉट दिया हुआ था, मतलब कि SSD का एक अप वर्जन है NVMe, तो वही मैंने इसमें लगा दिया है और स्पीड अच्छा मिल रहा है और अब कस्टमर मुझे लगता है संतुष्ट हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, बताइए आपके लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।